हंसते मुस्कुराते दीप तुम जलाना, जीवन में नई खुशियों को लाना। माँ लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, दिवाली का ये प्यारा त्योहार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार। लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार, दिए की रोशनी से सब अंधेरा दूर हो जाए, सोने और चांदी की बरसात निराली हो। दिवाली आए तो दीप जलाए। आवाज न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमानगढ़ जिला पुलिस ने नाबालिग बच्चियों को झांसे में लेकर दुष्कर्म के झूठे मुकदमे दर्ज करवाने वाले एक बड़े रैकेट का खुलासा किया, जिसमें पुलिस ने एक महिला सहित तीन जनों को गिरफ्तार किया, जिसमें दो जने रामजस धोलीपाल और लालचंद मेघवाल जिले के बड़े दलित नेता हैं। इसमें लालचंद मेघवाल के खिलाफ एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस संबंध में एक पीड़िता की मां ने दो दिन पूर्व महिला थाने में तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस बारे में प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए डीएसपी हनुमानगढ़ मीनाक्षी ने बताया कि गिरोह नाबालिग बच्चियों को झांसे में लेते थे और फिर टारगेट बनाकर किसी के खिलाफ दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज करवाते और रकम ऐंठते थे। दर्ज मुकदमे में पीड़िता की मां ने आरोप लगाए थे कि लालचंद मेघवाल ने उसकी नाबालिग बच्ची से कई दिनों तक दुष्कर्म किया, जिसमें रामजस धोलीपाल और पूजा ने सहयोग किया। इसके अलावा तीनों उसकी बच्चियों को संगरिया थाना लेकर गए और एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने का प्रयास किया था। इसके बाद मामला संगरिया पुलिस और बाल कल्याण समिति के संज्ञान में आया। उन्होंने बच्ची से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। दूसरी तरफ तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद कई पीड़ित पुलिस के पास पहुंच रहे और पुलिस जांच में दुष्कर्म के कई झूठों मुकदमे की जानकारी सामने आ सकती है। 6 अक्टूबर को बाल कल्याण समिति के द्वारा एक श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष एक परिवाद पेश किया गया, जिसके तहत एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप कमिट किया गया पर्टिकुलर लोगों के द्वारा। उसके तहत श्रीमान के आदेशानुसार महिला थाना हनुमानगढ़ के अंदर मुकदमा दर्ज करवाया गया गैंगरेप और पॉक्सो की धाराओं में, जिसकी जांच अनुसंधान अधिकारी के द्वारा की जा रही है। तो FIR के अंदर प्रथम दृष्टया नामजद आरोपी है रामजस जी, रामजस और लालचंद और पूजा तीनों। इसके तहत जब अनुसंधान शुरू किया गया तो श्रीमान के निर्देशानुसार सुरेशिया चौकी इंचार्ज जसकरण जी और सुखविंदर हेड कांस्टेबल महिला थाना, उनके नेतृत्व में टीम का गठन किया गया आरोपी गणों की दस्तियाबी हेतु। मुकदमे के अंदर अगर बात की जाए अनुसंधान की, तो उसके तहत ये पाया गया कि जो पर्टिकुलर ये लोग हैं रामजस और लालचंद, इनका एक रैकेट चलता है जिसके तहत ये पर्टिकुलर जो नाबालिग बच्चियां हैं उनको लेके आते हैं और एक पर्टिकुलर जगह इन्होंने फिक्स कर रखी है वहां पे लेके आते हैं और उसके बाद में इनका दुष्कर्म करके और अन्य लोगों के बाद सप्लाई करते हैं, उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा के और पैसों की वसूली करते हैं। तो ये इनका एक रैकेट चल रहा है जो काफी लंबे समय से, और इसके तहत बहुत सारी बच्चियों